हेलो दोस्तों, तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि SSGD की वैकेंसी इस साल के एंड में आना तय है, और उसके बाद ये जो SSC का न्यू कैलेंडर निकला है उसी दिन ये कैलेंडर आया था, और इस कैलेंडर में SSGD की कोई वैकेंसी की कोई बात नहीं हुई है। तो देखो, आपको बता देता हूँ, बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि किस बेस पे बोल रहे हो कि इस साल के एंड में SSGD की वैकेंसी आई थी, कैलेंडर में तो कहीं जिक्र नहीं है इसका। तो उसका जवाब मेरे पास ये है कि ये कैलेंडर जो जारी हुआ था वो पहले भी जारी हुआ था, इस बार नया जारी नहीं हुआ था। SSC टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है कैलेंडर में, ये कैलेंडर अब नहीं जारी हुआ है, ये कैलेंडर बहुत पहले भी जारी हो गया, उससे पहले भी जारी, हर 2-3 महीने में SSC का कैलेंडर जारी होता रहता है। जो उससे पहले जारी हुआ था उसमें ये जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसका भी कोई जिक्र नहीं था, बहुत सारे एग्ज़ाम का अपडेट भी दिया है इस कैलेंडर में, जो कि पहले जो कैलेंडर जारी हुआ था 2-3 महीने पहले उसमें नहीं था। तो SSC टाइम टू टाइम अपडेट करती रहते हैं अपने जो भी एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। तो जब भी इसका जो GD की जो वैकेंसी है, जब भी इसका एकदम फाइनल हो जाए कि हाँ ये वैकेंसी होनी है, इस तारीख को होना है, इस तारीख को फिजिकल होना है, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऑफिशियल जब क्लियर हो जाएगा तब इस कैलेंडर में अपडेट दे दिया जाएगा SSGD की वैकेंसी का। तो इसमें नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये एग्जांपल भी है, देख लो, कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी ये दे दी ना आप इसमें, क्यों, क्योंकि पहले SSC को नहीं दी गई थी ये वैकेंसी कि SSC करवाएगी नहीं करवाएगी, ये क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया कि SSC को भी करवाना पड़ेगा। इसी तरह अभी CRPF में इतनी सारी वैकेंसी 1,30,000, तो अभी क्लियर नहीं है कि ये वैकेंसी SSC करवाएगी या CRPF खुद करवाएगी, जैसे क्लियर हो जाएगा वैसे इसमें दे दिया जाएगा GD की वैकेंसी, ठीक है। तो मैं अब भी यही बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आना है इस साल के एंड में, जो डेट बताई थी आपको मैं, जो मंथ बताया था उस मंथ में आपको वैकेंसी आना तय है, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, और बाकी कांस्टेबल की जो ये जो वैकेंसी है उसका एकदम अच्छे से तैयारी रखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी आनी है, इसमें 30 सितंबर को वैकेंसी आएगी, ये 30 सितंबर को नहीं, 1 सितंबर को वैकेंसी आएगी, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी कांस्टेबल की, और MTS की वैकेंसी भी आनी है दिल्ली पुलिस में, तो उसका भी तैयारी रखिएगा, ये सब एक जैसे ही है, ठीक है। तो नोटिस आपको जल्दी देखने को मिलेगा, ये 1 सितंबर फॉर्म स्टार्ट होगा और 30 सितंबर को लास्ट डेट होगी इसकी, नवंबर दिसंबर में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं है, ऐसे ही चला जाएगा टाइम, और कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, कांस्टेबल की वैकेंसी देखो कितना साल से आई है, तो इसलिए तैयारी आपको पहले से अच्छे से करना होगा, ये टाइम है, तो ये जो टाइम है ना निकलता टाइम नहीं लगेगा, तो तैयारी करते रहिएगा। और देखो वक्त क्या है, इसमें सितंबर में आएगी वैकेंसी, सितंबर 30 तक फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ही हो जाएगा, तो तैयारी का टाइम मिलेगा क्या, जब आप वैकेंसी आएगी तब तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तो तैयारी अभी से कीजिए, आपका सब कुछ अच्छा होगा अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो। तो उन छात्रों को मैं यही कहूँगा, वैकेंसी आना है 100% आना है, नवंबर दिसंबर में आपके आ जाएगी, और नहीं भी आती तो क्या है, SSC नहीं कराएगा, CRPF ज़रूर करवाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, करवाएगी SSC करवाएगी वैकेंसी, ठीक है, CRPF नहीं करवाएगी, SSC ही वैकेंसी, ये आना है SSC में ही आना है, तो तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।